नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विद आलोक में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके आर ओ ए आर ओ की जो ऑनलाइन फॉर्म थे वो अब समाप्त हो चुके हैं। अब चार महीना में आपको ये निश्चय करना है कि आपको अधिकारी बनना है कि भाई आपको एक बार फिर चार महीना सोना है, ये सोचकर कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। ये सोचकर सोना कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये बहुत गलत होता है। हम अपने एग्जाम को टारगेट करके अगर मेहनत करते हैं तो हम डबल मेहनत कर ले जाते हैं। आपको निश्चय करना है दोस्तों कि आपको घोड़ा बनना है कि घुड़सवार बनना है, डिसीजन आपका है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके इस प्रिय संस्था के द्वारा इस बैच को संचालित कर दिया गया है आप लोगों की भारी मांगों पर, और जो लोग इस बैच से भी नहीं जुड़े हुए हैं उनको कुछ नहीं करना है। नॉर्मली एंट्री आरओ और एआरओ लिखकर इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और फिर आप हमारी संस्था से जोड़ दिए जाएंगे और आपको लगातार क्लासेस मिलेंगी जो कि आपकी सफलता के रास्ते को तय करेंगे। जैसा कि क्या कहते हैं कि यहां पर मैं आज उपस्थित हुआ हूं, तो मैं बहुत मंथन के बाद एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं कि जहां से आपके एग्जाम में एक सवाल कंफर्म है। देखिए, 18 से 22 सवाल आपके इतिहास के पोर्शन से रहते हैं, जो कि एक मिनिमम अवस्था में आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम अवस्था तो 28 भी हो जाते हैं। तो एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं, 20 से वो टॉपिक मैंने उठाया हुआ है कि ताकि जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बार बार ये बातें कहता हूं, कई लोग हैं जो हमसे नहीं जुड़ पाते हैं, उनके लिए भी ये लाभप्रद चीजें हैं कि अगर वो मेरे किसी एक टॉपिक से अपने एग्जाम में एक प्रश्न कर लेंगे तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं होती है। तो जैसा कि अगर आप पिछली बार के एग्जाम से पेपर देखे होंगे आप और उसको कंपेयर करिए इस बार के एग्जाम के पेपर में, तो थोड़ा सा परिवर्तन अवश्य होगा, ये आप देख लीजिएगा एग्जाम के समय। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमने उठाया है वेद। ठीक है, जनरली वैदिक युग का टॉपिक मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि वेद एक ऐसा पोर्शन है जहां से इस बार ये मान के चलिए 100% सवाल आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। आज 9 अप्रैल है, आज से आईपीएल भी चालू है, बहुत लोग अब भारत के त्योहार भी देखेंगे, तो आज के दिन में ये बात कह रहा हूं कि इस टॉपिक से आपको एक प्रश्न अवश्य रहेगा, चाहे ये टॉपिक इसीलिए मैंने उठाया है और मैं बहुत मंथन के बाद इस टॉपिक को उठाया हूं ताकि बहुत सारे लोग हैं जो इसको पढ़े, इसको समझें, क्योंकि जनरली वेद के बारे में जब कोई पढ़ता है तो वो केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद करके खत्म, नहीं ऐसा नहीं होता है। हमने इस वेद के लिए आपको एक चार्ट बनाया हूं, देखिए चार्ट के तहत भी चीजें समझाऊंगा आज, ठीक, और उसके साथ साथ क्या है, मैं आपको एक एक वेद, उनकी शाखाओं के बारे में, उनके महत्व के बारे में, उनके जो उपनिषद हैं, उनके उपनिषद किसकी व्याख्या करते हैं, क्या है, आराम से हम इन चीजों को एक एक टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे और हमारे साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा। ये इंतजार करना कि हम बैच में नोट्स बनाएंगे अलग चीज, जहां भी ज्ञान मिले उसे ले लेना चाहिए। तो वेद का जो मुद्दा आता है, तो वैदिक युग आप जानते हैं कि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चला और वैदिक युग को दो भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। मैं आपको एक वो जैसे कोई सीरियल आता है तो उसमें लिखाते हैं ना अब तक, या रिकैप, मैं थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूं, ऐसे भी आप लोग बहुत सारे लोग इस चीजों को पढ़े होंगे कई बार, कई लोगों के बहुत सारी मेहनत किए होंगे, ऐसी बात नहीं है, पर हो सकता है कि आज आपको कुछ अलग मिले और ये अलग आपको फायदा करे। तो कहने का मतलब क्या था कि वैदिक युग को दो भागों में बांटा गया, एकदम मतलब मस्ती के तौर पे पढ़ते हैं, फिर क्या हुआ, ऋग वैदिक में फिर अर्थव्यवस्था आपकी पशु आधारित हो गई, उत्तर वैदिक में अर्थव्यवस्था कृषि आधारित हो गई, थोड़ा सा समाज में परिवर्तन आया, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, उसके साथ साथ आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। लेकिन इन तमाम क्रियाकलापों में सबसे बड़ी खास बात क्या हुई कि वेदों की रचना हुई, और जो वेद हैं वो चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये सभी जानते हैं। लेकिन हर वेद के अपने अपने उपवेद हैं, हर वेद के अपने अपने विषय हैं, हर वेद के अपने अपने अरण्यक हैं, हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं और हर वेद के अपने अपने क्या कहते हैं, पुरोहित भी हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजों को मैंने बढ़िया से एक चार्ट में बनाया हुआ है और इस चार्ट के तहत हम आपको चारों वेद एक्सप्लेन करेंगे, उनके विषय को एक्सप्लेन करेंगे और उसके साथ साथ फिर क्या है कि हम आपको उनकी शाखाओं के बारे में यहां लिखकर बताएंगे। जैसा कि अगर हम वेद की बात करें तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्योंकि देखिए, आज भी हमारी जो सभ्यता है, अगर आप किसी से, बहुत सारे लोग होंगे बहुत सालों से पढ़ रहे होंगे लेकिन कभी वो सभ्यता और संस्कृति का डिफरेंस नहीं जानते,
स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, ना कि वैदिक युग की तरफ लौटो। क्यों कहा था? क्योंकि जो हमारी सभ्यता आज है वो वैदिक सभ्यता है। आज भी हम वैदिक सभ्यता में ही जी रहे हैं, चाहे पूजा पाठ देख लीजिए, चाहे हमारे कपड़े पहनने का तरीका देख लीजिए, हमारे यज्ञ अनुष्ठान के समय, शादी विवाह के समय। हमारी संस्कृति भले पाश्चात्य संस्कृति हो गई है, लेकिन हमारी सभ्यता आज भी वैदिक सभ्यता पर ही आधारित है। और ये वैदिक सभ्यता का जो हमें या वेदों जो वैदिक सभ्यता या वैदिक युग का जो हमें वर्णन मिलता है, ये सारी चीजों की शुरुआत इन्हीं वेद से मानी जाती है। जब इन सारी चीजों की शुरुआत इन्हीं वेद से मानी जाती है और हमें इससे ज्ञान होता है कि हमें आगे क्या करना है, इसीलिए पहला निष्कर्ष निकल के आता है कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, वो होता है ज्ञान। एक एक पॉइंट वाइज ये मत समझिएगा कि बीच का टॉपिक है किसी प्रकार की समस्या करेगा, नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको फुलफिल करेगा। तो जैसा कि हमने कहा क्या वेद, तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है समझिए, अर्थ इसका अर्थ होता है ज्ञान। पढ़ाने के तरीके को थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। अब आपको फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, नॉट अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। लेक्चर को समझिए और चीजों को समाहित करिए। हमें वेद पढ़ना है, वेद बनाना नहीं है, ग्रंथ बनाना नहीं है। अच्छा, अब वेद शब्द का अर्थ ज्ञान तो हो गया, लेकिन भैया किसी ने लिखा भी होगा। अरे अगर किसी ने लिखा नहीं होगा तो हम जाने कैसे? तो वेदों की रचना किसने किया समझिए, इसके जो रचनाकार है वो कौन है? अब आप कहेंगे सर वेद व्यास, वेरी गुड। लेकिन वेद व्यास को एक और नाम से जाना जाता है, और वो जो नाम है वो है कृष्णद्वैपायन। क्या नाम है? कृष्णद्वैपायन। तो वेदों की रचना कृष्णद्वैपायन या किसने किया था? वेद व्यास ने किया। और हमने क्या कहा अभी? चार वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, समझते जाइएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यहां से लिखते हैं थोड़ा सा, इसी में आपको टेक्टिस समझ में आ जाएगी। देखिए पढ़ने के तरीके को बदलिए। स्मार्ट मतलब ये नहीं होता कि अच्छा कपड़ा पहनना, नो नो नो, स्मार्ट मतलब होता है कि अच्छे तरीके से पढ़ना। देखिए कौन कौन से वेद हैं, और ये एक ये आसान सा टॉपिक भी है, इसीलिए मैंने इसको उठाया, क्योंकि आप लोग कई लोग इसको पढ़े होंगे, लेकिन बस इस बार इससे प्रश्न रहेगा और ये 100% है इससे प्रश्न रहेगा। यही कारण इस टॉपिक को मैंने उठाया और इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं अलग तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में आप जानते हैं कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? देखिए प्राचीनतम वेद वो कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? वो है अथर्ववेद। इसके अलावा आपको एक चीज और पता होगा कि जो ऋग्वेद है वो आदि ऐतिहासिक युग में आने लगा। पहले ये ऐतिहासिक युग में आता था, लेकिन धीरे धीरे जो अब नई किताबें आ रही हैं वो कहती हैं कि हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ ऋग्वेद भी जो है वो क्या कहते हैं, या ऋग्वैदिक काल जो है वो आदि ऐतिहासिक में आता है। लेकिन इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऋग्वैदिक काल आदि ऐतिहासिक युग में आता है, ना कि ऋग्वेद आता है। और खास बात क्या है कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, यहां समझिए एकदम दोस्तों लॉजिकल चलिएगा, ज्यादा दिमाग खर्चा नहीं करना, वो हम लोगों को खर्चा करने दीजिए, आप लोग समझिए। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को हम सम्मिलित रूप से त्रयी कहते हैं। तीन त्रयी, ठीक है, त्रिशूल, त्रिन, त्रयी। तो यहां पर जो सवाल बनता है, आप देखेंगे सवाल यह बनेगा कि क्या कहते हैं कि निम्न में से कौन सा वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। जब शब्द ऑटोमेटिक त्रयी आ गया है तो जाहिर सी बात है हम तीन वेद की बात कर रहे हैं, तो जवाब से सवाल पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा वेद है जो त्रयी का हिस्सा नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। तो यहां पर यह हमें एक बैकग्राउंड मिला कि वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, वेदों की रचना किसने किया है? वेद व्यास, या जिनको हम कृष्णद्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। चार हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
जिसमें सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है और सबसे नवीनतम वेद अथर्वेद है, और उसके साथ साथ ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को हम सम्मिलित रूप से त्रयी कहते हैं। वेरी गुड, यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब प्रत्येक वेदों के अपने ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ है, अपने अरण्यक हैं और अपने उपनिषद हैं। तो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में वो हमारे ये उठकर आता है कि ये तीनों हैं क्या भाई, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, अरण्यक ग्रंथ क्या है, उपनिषद क्या है। तो ये तीनों कुछ नहीं है, इन्हीं वेद के साथ में वेदों की शाखाओं में लिखे गए हैं। तो हर वेद के, ठीक है ऐसे लिख देते हैं आप समझ जाइए, हर वेद के तीन हिस्से हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक समझिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। लेक्चर को ध्यान से समझिए और नोट्स को स्मार्ट तरीके से बनाइए। अब ये तीनों क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मणों के बारे में जानकारी देने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ठीक। अरण्यक मतलब होता है जंगल, कैसे, यहां जब गए थे क्या कहते हैं वो राम भगवान, जब जंगल में गए थे तो क्या किया गया था, तो कहा गया था ना एक कांड बना था जिसको कहा गया अरण्यक कांड। तो अरण्यक शब्द का अर्थ होता है जंगल, तो अरण्यक मतलब हुआ यहां पर कि जंगल में बैठकर, समझिएगा, जंगल में बैठकर लिखे गए ग्रंथ को, जंगल में बैठकर लिखे गए ग्रंथ को क्या कहते हैं, अरण्यक कहते हैं। पहला आपसे पूछ सकता है कि जंगल में बैठ के लिखे गए ग्रंथ को हम क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, अरण्यक कहते हैं। अगला है उपनिषद। उपनिषद का दो अर्थ होता है, दो अर्थ। इसका पहला अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना, समझिए, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना, यह किसका हो गया, पहला अर्थ। दूसरा होता है आत्मा परमात्मा की बातें, आत्मा परमात्मा की बातें, बातें अर्थात ये अलग है, ठीक है, अर्थात दर्शन शास्त्र, क्योंकि सांख्य दर्शन का उदय भी हुआ था, छह दर्शन का उदय भी हुआ था वैदिक युग में, ठीक है, अर्थात दर्शन शास्त्र। तो उपनिषद का दो अर्थ हुआ, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना, और अगला हुआ आत्मा परमात्मा की बातें अर्थात दर्शन शास्त्र। अब चार्ट में अब जाने से हमें आसानी होगी। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब जो हम कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, अरे परमात्मा है वो, तो परमात्मा आत्मा आया कहां से, सपने में सोए थे तो आत्मा परमात्मा तो आया नहीं, आत्मा परमात्मा जो आए वो हमको ज्ञान कहां से मिला, सॉरी उपनिषद से मिला, कहां से मिला हमको ज्ञान, उपनिषद से मिला। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लिया जाता है, ये भी कहां से सीखे हमने, उपनिषद से। जंगल में आप ही बैठकर कोई ग्रंथ लिख देंगे तो आप भी अरण्यक की रचना कर देंगे, तो जंगल में बैठ के लिखे गए ग्रंथ को क्या कहा गया, अरण्यक कहा गया। मतलब वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और हमारे चार वेद हैं, और हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अपने अपने अरण्यक हैं, अपने अपने उपनिषद हैं, और सभी की अपनी अपनी खास बातें भी हैं। अब अगर हम वेद के चार्ट पे चले तो शायद अब आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। आइए आज को आपको हम दिखाते हैं चार्ट बनाया कैसे जाता है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी, तो मुझे लगता था कि स्मार्ट स्टडी क्या है, स्मार्ट स्टडी फिर समझ में आया कि हम किस चीज को कितने अच्छे से समझ के कितने छोटे में उसको कवर कर लेते हैं, इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। एक एक को हम डिस्कस करते चलते हैं, आपसे परेशान मत होइएगा। ऋग्वेद पहला क्या है, ऋग्वेद, इसके पुरोहित पुरोहित हैं, या इनको होत्री भी कहा जाता है, ठीक है, या होरोता भी कहा जाता है, आपको ये तीनों लाइन कहीं ना कहीं मिलेगी, इसके लिए समस्या नहीं है। पुरोहित है, पुरोहित माने जो पूजा पाठ करवाते हैं। इसका जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, याद रखिएगा, अथर्वेद का उपवेद आयुर्वेद नहीं है, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। इनके जो संकलन करता है वो कौन है, प्रजापात्य है, कौन है, प्रजापात्य।
इसमें 1028 सुक्त है। सुक्त, सुक्त मतलब होता है मंत्रों का संकलन। मिनिमम 75 मंत्र से एक सुक्त बनता है, फिर हजारों मंत्र उसमें हो जाते हैं। भाई हम लोग भी आज जो पूजा पाठ में मंत्र उन्त्र पढ़ते हैं वो सब कहां से जाने, यहीं से जाने। इनका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय और कौशितकी। सेम इनके अरण्यक भी हैं और सेम इनके उपनिषद भी हैं। किसके? ऋग्वेद के। इस कुछ करिएगा या ना करिएगा, लेकिन इस चार्ट की फोटो जरूर रखिएगा, ये आपको बहुत ही सहायता करेगा। ठीक है, चलिए अब हम इनका एक एक को डिस्कस करते हैं। क्या है ये? पहली चीज ऋग्वेद के बारे में। पहला डिस्कशन हम किसके बारे में करेंगे? ऋग्वेद के। जैसे उस चार्ट से अभी पीसीएस में सवाल आया था पिछले के पिछले साल कि मैत्रायण किस वेद का हिस्सा है। हम वेद पढ़ लेते हैं, उनकी परिभाषाओं को पढ़ लेते हैं, लेकिन हम उपनिषद उनके कौन कौन से हैं या उनमें किस किस चीजों का जिक्र है ये हम नहीं पढ़ते हैं। और इस बार लेवल उससे ज्यादा रहेगा, ये जान के चलिए एग्जाम के लेवल को। तो आइए, ऋग्वेद क्या था? ऋग्वेद में क्या है कि देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्र, देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्र। क्या भैया गाए गए मंत्र? समझिए, पहले क्या था कि लिखने उखने वाला सिस्टम नहीं था उतना। लोग जाते थे गुरुकुल में, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे, उसके बाद वो फिर ऐसे कंठस्थ जो उनको याद है वो ऐसे सुनाते हुए चले जाते थे। तो ऋग्वेद का जो विषय निकल कर आता है, ऋग्वेद का अगर कोई विषय पूछे क्या है या ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है देवताओं की स्तुति में, स्तुति माने याद, ठीक है, कोई याद मत कर लीजिएगा किसी स्तुति को, देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्र। ये किसका है? ऋग्वेद का हिस्सा है। उसके साथ साथ अभी ऋग्वेद में एक चीज आपको मिला कि इसमें 1028 क्या है? सुक्त है। सुक्त माने क्या? मंत्रों का संकलन। तो इसमें 1028 क्या है? सुक्त है। इसको डिफ्रेंशिएट हम करते हैं दो भागों में, जिसमें 1017 साकल सुक्त है और 11 बालखिल्य सुक्त है। सुक्त है, समझते जाइएगा। तो 1017 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1028। तो कहने का मतलब कि ऋग्वेद में जो 1028 सुक्त हैं उसमें 1017 साकल सुक्त है और 11 क्या है? बालखिल्य है। और खास बात क्या है कि जो सबसे बड़ी खास बात है कि केवल यही शाखा उपलब्ध भी है। कौन सी शाखा उपलब्ध है? साकल शाखा उपलब्ध है। इसको चूहा हुआ खा गया ही खत्म हो गया, ठीक है। अब ऐसे समझिए एकदम हंसी मूड में, ये बालखिल्य वाला सुक्त ऐसे रखा गया था, तो चूहा कुतुर दिया खत्म हो गया। लेकिन कौन सी, अगर आपसे पूछा गया कि निम्न मत से ऋग्वैदिक की कौन सी शाखा उपलब्ध है, तो आप हमेशा कहेंगे साकल शाखा उपलब्ध है, ठीक है। और ये जो 1028 सुक्त है इसमें 1017 साकल सुक्त है और 11 बालखिल्य है। अगला चलते हैं, अगले पोर्शन। इनका ब्राह्मण है ऐत्रेय। ऐत्रेय ब्राह्मण की खास बात क्या है कि सर्वप्रथम राजन शब्द का उल्लेख या राज अभिषेक का जो उल्लेख है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। बात को समझिएगा भाई, इनकी जो व्यवस्था थी सामाजिक व्यवस्था वो कबीले में बटी हुई थी ऋग्वैदिक में, और इनके जो था गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, मतलब राजा का चुनाव जनता के द्वारा होता था। फिर आगे चलकर राजतंत्रात्मक व्यवस्था होने लगी, मतलब पदवंश आगुनत होने लगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा चाहे वो जैसा भी रहे। तो सब ये राजन शब्द का उल्लेख और राजा का राज अभिषेक होता है, मैं अमरेंद्र बाहुबली महिष्मति साम्राज्य, ये सब कहां से आया? ये सब का जिक्र कहां से मिला? ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो सर्वप्रथम राजा और राजन और राज अभिषेक का जिक्र, राज अभिषेक का जिक्र किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। दूसरा है कौशितकी। कौशितकी को एक और नाम से जानते हैं, इसे
संख्यान ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं, संख्यान ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। समझिए, तो यहां ऋग्वेद की व्यवस्था क्या निकले, सॉरी ऋग्वेद की जो महत्वपूर्ण बातें निकल के आई वो क्या आई कि ऋग्वेद का जो विषय है वो देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिसमें 1017 क्या कहते हैं आपका साकल सूक्त है, 11 बालखिल्य है। ऐत्रेय सर्वप्रथम राजन और राज अभिषेक का जिक्र ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है और कौशतिकी इसे संख्यान ब्राह्मण के नाम से भी हम जानते हैं। अब आते हैं अगले वेद पर। अगला जो वेद है वो कौन सा है, वो है सामवेद। सामवेद, इसके जो पुरोहित हैं वो कौन है, उद्गाता। ध्यान से सुनते जाइएगा और ध्यान से समझते जाइएगा दोस्तों। इसके जो उपवेद है वो कौन सा है, गंधर्ववेद। इसके संकलनकर्ता कौन है, नारद। ये बहुत ही प्रचलित सवाल है आपके यूपी ट्रिपल एससी में, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसमें 1549 मंत्र हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनी और तांड। इसके जो अरण्यक है जैमिनी अरण्यक, छंदोग अरण्यक, और इसमें क्या है कि इसके जो उपनिषद है वो है छंदोग उपनिषद, जैमिनी उपनिषद और केन उपनिषद। ये केन वाला याद रखिएगा, हमको ऐसा लग रहा है कि इस बार एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि केन उपनिषद किस वेद का हिस्सा है। तो याद रखिएगा कि जो केन उपनिषद है वो किस वेद का हिस्सा है, सामवेद का। अब जैसे हम ऋग्वेद की व्याख्या पढ़े वैसे सेम सामवेद की व्याख्याएं पढ़ते हैं। इस चार्ट को याद रखिएगा, इस चार्ट से एक न एक सवाल आपको पक्का एग्जाम में आ जाएगा। तो जो अगला वेद है वो है सामवेद। सामवेद का खास बात क्या है, या इसका नाम सामवेद पड़ा क्यों? देवताओं की स्तुति में गाए गए जो मंत्र था वो किसमें था, ऋग्वेद में। अब उन मंत्रों को लिखा भी तो कहीं जाएगा, समझिएगा, हम जो देवताओं की स्तुति में मंत्र गाए उसे हम कहीं ना कहीं लिखेंगे भी, लॉजिक सी बात है। उनको लिखा गया कहां पर, सामवेद में। तो गाए जाने योग्य मंत्रों का संकलन ये कहां पे लिखा गया, सामवेद में। क्योंकि ऋग्वेद में जो हम देवताओं की स्तुति में मंत्र गाए थे उसका संकलन सामवेद में किया गया, तो मतलब ऋग्वेद के ही मंत्र लिए गए। ध्यान सुनिएगा, बहुत बड़ी लाइन बता रहा हूं आपको। इसका मतलब क्या है कि ऋग्वेद से ही मंत्र लिए गए। यही रीजन है कि सामवेद का ऐतिहासिक महत्व सबसे कम है। क्यों? क्योंकि 1549 मंत्रों में से मात्र 75 मंत्र सामवेद के हैं और बाकी मंत्र ऋग्वेद के। भाई जैसे मान लीजिए कि मैंने लेक्चर दिया आपको, मैं ऋग्वेद हो गया, आप लिख रहे हैं आप सामवेद हो रहे हैं, और आपने कुछ पॉइंट अपनी तरफ से डाल दिया अपने नोट्स में, दैट्स ऑल। तो उसी प्रकार ऋग्वेद में जो मंत्र जो गाए गए तो उन मंत्रों को कहीं ना कहीं लिखा जाएगा। तो जब उन मंत्रों का संकलन किया जाने लगा तो वो बन गया सामवेद। तो सामवेद का मतलब हो गया कि गाए जाने योग्य, गाए जाने योग्य मंत्रों का संकलन। और हमने क्या कहा कि ऋग्वेद से मंत्र लिए गए, यही कारण है कि इसका ऐतिहासिक महत्व कम है। तो इसका ऐतिहासिक महत्व सबसे कम है क्योंकि गाए गए 1549 मंत्रों में से मात्र 75 मंत्र इसके हैं। इसके साथ साथ वो क्या कहते हैं, वो सारे गामा पा धानी सा सा सा, ये जो सारे गामा पा शब्द जो आया वो भी कहां से आया, सामवेद से। तो भारत में शास्त्रीय संगीत का उदय, क्लासिकल म्यूजिक का जो उदय माना जाता है वो भी कहां से माना जाता है, सामवेद से। तो भारत में शास्त्रीय संगीत का उदय कहां से हुआ, सामवेद से हुआ। इसके साथ साथ अब आते हैं उस पे,
किस पे? इनके हम ब्राह्मण पे। इनका जो ब्राह्मण ग्रंथ है जो है तांड ब्राह्मण, तांड ब्राह्मण को हम अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे बड़ा नहीं है दोस्तों, ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, बहुत बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे बड़ा और बहुत बड़ा में डिफरेंस है। तो जो तांड ब्राह्मण है उसको हम अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि 25 अध्यायों में बटा हुआ है। अब चूंकि ये 25 अध्यायों में बटा हुआ है इसीलिए इसको पंचविश या षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि निम्न में से वह कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको हम अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं या पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं या षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, तो कौन सा है? वो है तांड ब्राह्मण। तो अगला जो खास बात है, तांड ब्राह्मण को अद्भुत ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण या षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ जो इसमें एक उपनिषद है वो है छंदोग उपनिषद। छंदोग उपनिषद सबसे प्राचीनतम उपनिषद है और सबसे पहले देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख जो है वो छंदोग उपनिषद में ही मिलता है। याद रखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं इस समय सवाल हमारी संस्कृति से सभ्यता से ज्यादा उठाए जा रहे हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले देवकी पुत्र कृष्ण का जिक्र कहां से मिलता है? तो सबसे पहले देवकी पुत्र कृष्ण का जिक्र छंदोग उपनिषद में मिलता है। तो यहीं पे बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। मैं तो टाइगर श्रॉफ होते जा रहा हूं। छंदोग उपनिषद में मिलता है। एक और खास बात, सामवेद की तीन शाखाएं हैं, कौन कौन सी? कौथुम शाखा, रणायनीय शाखा और जैमिनी। ये तीन क्या हैं? ये तीन क्या हैं? शाखा है किसकी? सामवेद की। आपको कितना भी डीप जाएगा तो आपको अगर ऐसे पूछ लेगा कि निम्न में से सामवेद की शाखा कौन सी नहीं है, तो ये तीन ठो ऑप्शन दे देगा, कौथुम शाखा, रणायनीय शाखा, जैमिनी शाखा। दे दिया मान लीजिए कि शुक्ल शाखा, तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्ल, क्योंकि कृष्ण और शुक्ल ये यजुर्वेद की शाखा है। तो ये सामवेद की क्या है? खास बातें हैं। आइए अगले वेद पे चलते, इनको लिखते चलिएगा साथ में। अगला वेद है यजुर्वेद। इसके जो पुरोहित हैं वो हैं अधर्वी, उपवेद धनुर्वेद, संकलनकर्ता विश्वामित्र। इसके दो ब्राह्मण हैं, सतपद ब्राह्मण और तैत्रेय ब्राह्मण। ठीक, सतपद ब्राह्मण अलग का है जो शाखा है कृष्ण और शुक्ल में, ठीक है, और तैत्रेय अलग का है। इसके अरण्यक है बृहदारण्यक, तैत्रेय अरण्यक और सतपद। इसके उपनिषद कई सारे हैं, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वेतर, मैत्रायण, महानारायण। एक मैं अपनी तरफ से और आपको बता देता हूं, यहीं पर लिख देता हूं, जबलोपनिषद, जबलोपनिषद। ये भी किसका हिस्सा है? ये भी हिस्सा है यजुर्वेद का। जबलोपनिषद वही उपनिषद है जिसमें चारों आश्रम का जिक्र मिलता है, इसमें है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। ये चारों जो आश्रम व्यवस्था का जिक्र मिलता है वो जबलोपनिषद का है।
ये सब जानते होंगे कि चारों आश्रम व्यवस्था का जिक्र जबलोपनिषद में मिलता है, लेकिन ये शायद ही कोई जानता होगा कि जबलोपनिषद जो है वो किस वेद का हिस्सा है, वो है यजुर्वेद का हिस्सा है। किसका? यजुर्वेद का। यही वाला पीसीएस में था कि मैत्रायण किस वेद का हिस्सा है, तो मैत्रायण किस वेद का हिस्सा है, यजुर्वेद का हिस्सा है। ठीक, ये इसके क्या है, उपनिषद है। और जबलोपनिषद आप ऐड कर लीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, जबलोपनिषद जिसमें आश्रम व्यवस्था का जिक्र मिलता है वो किस वेद का हिस्सा है, वो यजुर्वेद का है। तो चलिए अब यजुर्वेद को समझते हैं। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी मेरे हिसाब से, बाकी जैसा आप लोगों को लगे बताइएगा। यजु, यजु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का जिक्र मिलता है, ठीक, विभिन्न प्रकार के। और खास बात क्या है कि यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक, गद्य में भी है और पद्य में भी है। इसके साथ साथ इसकी दो शाखा है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। तो पहले इसके विषय के बारे में हम डिस्कस करें। इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का जिक्र मिलता है, अब ये लाइन अगर लिख रहे हैं तो कॉमन लॉजिक इस्तेमाल करिए कि अगर इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का जिक्र मिलता है तो लॉजिक सी बात है ये जो राजसूय यज्ञ, वजसनेई यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये तमाम प्रकार के जो यज्ञ हैं इनका सबसे पहला उल्लेख किसमें मिलेगा, यजुर्वेद में। बुद्धि को इस्तेमाल करिए दोस्तों। देखिए जब यज्ञ के बारे में अभी डिस्कस हो रहा है तो कभी भी आपको सवाल घुमाकर पूछ देगा कि ये जो तमाम प्रकार के यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ, वजसनेई यज्ञ, राजसूय यज्ञ, तमाम जो यज्ञ हैं इनका जिक्र सबसे पहले किस वेद में मिलेगा, तो यजुर्वेद में मिलेगा। उसके साथ साथ यजुर्वेद जो है यह गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में है। इसके साथ साथ सर्वप्रथम हाथी शब्द का उल्लेख भी किस वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हमने अभी आपसे कहा, इसकी दो शाखा है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको भी ज्यादा समझना पड़ेगा। तो इसकी दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और जो शुक्ल यजुर्वेद है इसको वाजसनेई संहिता भी कहा जाता है। क्या? इसको वाजसनेई संहिता के नाम से भी जानते हैं। ये सवाल भी आपको केन, अगर केन उपनिषद पूछा तो पूछा, नहीं तो ये सवाल भी आपको पूछ सकता है घुमाकर कि हम निम्न में से किस वेद को वाजसनेई संहिता के नाम से जानते हैं, तो हम वाजसनेई संहिता के नाम से किस वेद को जानते हैं, या शुक्ल यजुर्वेद को जानते हैं या तो यजुर्वेद को जानते हैं। इसके साथ साथ इसका जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इसकी रचना याज्ञवल्क्य ने की है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे बड़ा क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखिएगा। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। अब इसके उपनिषद पे आते हैं। एक जो उपनिषद है श्वेता श्वेतर, इसमें सर्वप्रथम स्यूस का उल्लेख मिलता है। कभी भी पूछा गया कि सर्वप्रथम स्यूस शब्द का उल्लेख, सर्वप्रथम स्यूस शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो यजुर्वेद हो जाएगा, या किस उपनिषद में मिलता है, तो श्वेता श्वेतर में मिलता है। बृहदारण्यक में, ये उपनिषद है, अरण्यक नहीं, बृहदारण्यक उपनिषद है, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में
गार्गी और याग्वल्क का प्रसिद्ध संवाद है, का प्रसिद्ध संवाद मिलता है। लिखिए इसको फट से। इसके बाद तैत्रेय उपनिषद में और अधिक अन्न उपजाओं का जिक्र मिलता है, और अधिक अन्न उपजाओं का जिक्र मिलता है, और कठोपनिषद में यम और नचिकेता का, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का प्रसिद्ध संवाद है, जिसमें यह था कि मरने के बाद क्या लोग कहा जाते हैं, क्या पुनः यह सब होता है कि नहीं। प्रसिद्ध संवाद है, और इसी में आत्मा को पुरुष कहा गया, आत्मा को पुरुष कहा गया। और जबलोपनिषद में आश्रम व्यवस्था का जिक्र मिलता है, जबलोपनिषद में आश्रम व्यवस्था का क्या है, जिक्र मिलता है। क्लियर। ये कुछ महत्वपूर्ण, यजुर्वेद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी इसमें बड़ी चीजें भी हैं, ठीक है, पर आपके लेवल तक इतनी ही चीजें काफी हैं। तो ये क्या है, आपसे से पूछ लिया कि यम और नचिकेता का प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में है, तो आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। या पूछ लिया क्या कहते हैं आश्रम व्यवस्था का जिक्र सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है, तो आंसर हो जाएगा जबलोपनिषद में। चलिए अपने आखिरी वेद पे चलते हैं। हमारा जो आखिरी और सबसे नवीनतम वेद है वह है अथर्वेद। इसके जो पुरोहित हैं वो है ब्रह्मा। ये ब्रह्मा जो है ये यज्ञों के निरीक्षण करता है, क्या है, यज्ञों के निरीक्षण करता है। इसका उपवेद शिल्प वेद है, इसके संकलन करता विश्वकर्मा है। 6000 मंत्र है, एक मंत्र है ना पूरा बौद्ध धर्म जैन धर्म का उदय कारण बना। इसका ब्राह्मण है गोपत, इसमें अरण्यक नहीं है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि निम्न में से वह कौन सा वेद है जिसमें अरण्यक नहीं पाया जाता है, तो हो गया ये। इसका है मुंडकोपनिषद, मांडव्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ठीक। ये किसके उपनिषद हैं, अथर्वेद के हैं। तो अथर्वेद के बारे में हम पढ़ते हैं, आइए ये भी थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि अथर्वेद ही जो था इसी ने ही आधार बनाया बौद्ध धर्म और जैन धर्म या तमाम प्रकार के धर्मों का उदय का। देखिए ऐसा कुछ था नहीं कि उदय करके कुछ कर ले, उनके भी आगे जाकर वही हो गया जो हमारे अथर्वेद में था। अच्छा समाज में हम आगे बढ़ते हैं, जैसे आज की भी डेट में आप देखिए, अगर आप सुबह रनिंग करने जाते होंगे या कहीं भी जाते हो, तो अगर आप देखे होंगे कि चौराहे पे लोग लोटा से पानी उनी डाले रहते हैं, सुराही उराही घड़ा वड़ा तमाम चीजें रखे रहते हैं। अंधविश्वास, अंधविश्वास लोग कहते हैं कि अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास मुझे लगता है, मेरा व्यू है कि जीने का कारण होता है। तो जब क्या हुआ कि धीरे धीरे चीजें बढ़ने लगी, तो फिर क्या हुआ कि हमारे समाज में हमारे धर्म में कुरूतियां आने लगी। वही कुरूतियां जो थी वो चालू हुई अथर्वेद से, जैसे तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, जादू टोना, ये इत्यादि प्रकार की जो कुरूतियां आई इसमें आई। लेकिन अभी कॉमन सेंस, मैं हमेशा कहूंगा वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, बट वी डोंट नो दैट वी हैव ऑल्सो द 6th सेंस ऑर्गन, एंड दैट इज द कॉमन सेंस। इफ यू डोंट यूज देन इट इज द नॉनसेंस, यूज इट। अब मान लीजिए कि किसी को, जैसे मेहंदीपुर बालाजी आप जाइए, वहां पर मतलब मन तो डर गया था, क्या था भाई, मान लो किसी को भैया भूत लग गया, कोई भूत कर रहा है। अब भूत कर रहा है तो झड़वाने के पास किसी के पास जाएगा ना, जाएगा वो उसको कुछ ना कुछ खाने को देगा।
तो अगर ये कुरूतियां हैं तो इन कुरूतियों से निकलने के लिए भी कोई ना कोई चीज होगी। तो इसीलिए औषधि का भी जो जिक्र मिलता है, औषधि का भी जो जिक्र मिलता है वो किसमें मिलता है? अथर्वेद में। तो तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक और औषधि, इन ये किसका विषय है? अथर्वेद का है। उसके साथ साथ सॉरी सर्वप्रथम अंग और मगध महाजनपद का उल्लेख किसमें मिला? अथर्वेद में मिला। इसके साथ साथ मृत्यु लोक के देवता देवता राजा परिचित का जिक्र भी किसमें पाया जाता है? अथर्वेद में। इसको भी याद रखिएगा, यह भी मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है कि राजा परिचित जो मृत्यु देव के देवता सॉरी मृत्यु लोक के देवता हैं, इनका जिक्र कहां मिला? तो इनका जिक्र भी अथर्वेद में पाया गया। बाकी सभा और समिति को और प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्वेद में कहा गया, वो जब हम टॉपिक में पढ़ाएंगे तो वहां एक्सप्लेन कर देंगे। उसके साथ साथ इसका जो उपनिषद है मुंडकोपनिषद, ये बच्चा बच्चा जानता होगा, यहां से सत्यमेव जयते लिया गया है। उसके साथ साथ मुंडकोपनिषद में ही यज्ञों की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। और एक और है, वो है मांड्यूकोपनिषद। मांड्यूकोपनिषद क्या है दोस्तों? ये सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद। कौन सा? मांड्यूकोपनिषद। ये रहा आपका वेद। वेद इतना पूरा पढ़ना पड़ता है दोस्तों, लोग क्या थोड़ा थोड़ा पढ़ाकर पढ़ा देते हैं, वो वेद नहीं है। आप समीक्षा अधिकारी की आरओ यारो की तैयारी कर रहे हैं, नाम में ही अधिकारी है तो लेवल भी अधिकारी वाला ही रहेगा। ये पूरा वेद है, आप देख सकते हैं कहीं से भी प्रैक्टिस या कुछ भी आप चाहे तो देख सकते हैं। प्रश्न इस बार कैसे बनेंगे वो मैं आपको एक एक जगह बताते हुए चल भी रहा हूं। ये आपके पूरे वेद है। इन वेदों की ये खास बातें हैं जो इतनी देर आप लोगों को लगा एक चार्ट में सब खत्म हो जाएगा तो इम्पॉसिबल है। ये खास बातें हैं, ठीक, सबकी शाखाएं हैं। इन सब चीजों को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तब पता चलता है कि वेद क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम यहीं पर आपको ड्रॉप करते हैं। आज का टॉपिक याद रखिएगा, मैं दोबारा कह रहा हूं कि यहां से एक सवाल अवश्य रहेगा, आप हमारी संस्था से जुड़िए ना जुड़िए, लेकिन जब एग्जाम देकर आप आएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ किसी इंसान ने कहा था गौरव पांडे ने कि यहां से सवाल रहेगा, और आप पक्का इस सवाल को पाएंगे। ठीक, तो आज की क्लास में इतना, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, हमारी मुलाकात फिर कभी होगी। देखिए मैं आपसे एक लाइन शुरू में कहा कि डिसीजन आपका है, यू वांट टू बी अ हॉर्स और अ हॉर्स राइडर, आपको घोड़ा बनना है कि घुड़सवार, ये डिसीजन आपका है। जब आप इस लाइन को समझ के अच्छे से सोच लेंगे तो अपनी मेहनत भी उसी तरह करेंगे। तो हम फिर कभी मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। जैसा कि जान रहे इस समय कोरोना वापस रिटर्न बैक हो गया है, कोरोना सेकंड, ठीक है, तो उसमें अपने सेहत को ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।